नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। किसानों की मांग, बांध निर्माण में मुआवजे को लेकर विदिशा में किसानों का प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के विदिशा में भारतीय किसान संघ के बैनर तले पठारी तहसील के सैकड़ों किसानों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर तहसील प्रांगण में प्रभारी तहसीलदार सीके ताम्रकार को प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के पूर्व उपस्थित किसान नेताओं ने समस्याओं को लेकर भाषण दिए एवं मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में बताया है कि बीना नदी पर बनने वाले हनोता बांध परियोजना में 9 गांव पूर्णतः डूबा क्षेत्र में है एवं 7 गांव आंशिक रूप से डूब क्षेत्र में है। इन गांवों के किसानों को फलदार वृक्ष, जलाऊ लकड़ी व ट्यूबवेल मकान जमीन के लिए मिलने वाले मुआवजे के बारे में अवगत कराया जाए, पुनर्वास की व्यवस्था एवं क्षेत्र के किसानों को 30 लाख रुपए हेक्टेयर मुआवजा, हर परिवार के एक व्यक्ति को शैक्षणिक योग्यता के अनुसार शासकीय नौकरी, डूब क्षेत्र वाले किसानों की रजिस्ट्री पंजीयन फीस माफी, क्षेत्र के किसानों की भूमि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है उसी हिसाब से सिंचित असिंचित का मुआवजा मिले, इसके साथ नदी से भूमि को सिंचित माना जाए। भारतीय किसान संघ ने एक ही दिन में 3 ज्ञापन सौंपे हैं। दूसरा ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम सौंपा गया है जिसमें किसानों की समस्याओं से संबंधित 13 सूत्रीय मांगे शामिल हैं, जबकि तीसरा ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया है जिसमें 29 सूत्रीय मांगे किसानों की शामिल हैं। ज्ञापन के इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में किसान शामिल रहे और जमकर नारेबाजी भी की गई। विदिशा पठारी से आशीष सहेले की रिपोर्ट, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार के नाम और माध्यम में हमारी श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील पठारी, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। महोदय, भारतीय किसान संघ प्रदेश के किसानों की निम्न समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए निवेदन करता है कि किसानों के हित में निम्न विषयों पर कार्रवाई की जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खेत को इकाई माना जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसान के द्वारा जमा की गई राशि तथा बैंकों द्वारा KCC लिमिट में काटी गई राशि की पावती बीमा कंपनियों द्वारा किसानों को दी जाए। तीसरा बिंदु है, कृषि कार्य में लगने वाले सभी कृषि यंत्रों एवं रासायनिक खाद दवाइयों बीज पर GST की दर न्यूनतम की जाए। केंद्र सरकार द्वारा घोषित योजनाओं का लाभ बैंकों के आरियल रवैये के कारण पात्र किसानों को नहीं मिल पाता, अतः किसानों के सहयोग के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए एवं प्रत्येक जिले में एक समन्वय अधिकारी की नियुक्ति की जाए। बैंकों के द्वारा कृषि लोन एवं KCC देने की प्रक्रिया को पारदर्शिता मिलाया जाए और ऑनलाइन किया जाए तथा पर्याप्त दस्तावेजों के पश्चात भी किसानों को परेशान करने पर जवाबदेही निश्चित की जाए। मुद्रा लोन की तरह किसानों को तत्काल कृषि लोन देने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। कृषि क्षेत्र में किसानों को दिए जाने वाले अनुदान सब्सिडी को बंद कर किसानों को सीधे प्रति हेक्टेयर के मान से उत्पादन लागत पर अनुदान राशि सीधे किसानों के खाते में जमा की जाए। कृषि कार्य में लगने वाले डीजल को GST के दायरे में लाया जाए। वर्षा मापक यंत्र पंचायत स्तर पर लगाए जाएं। सभी जिलों में कृषि महाविद्यालय खोले जाएं। छोटी कक्षाओं में कृषि विज्ञान की पढ़ाई कराई जाए। नाबार्ड द्वारा संचालित सहकारी बैंकों का आधुनिकीकरण किया जाए। वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु सरकारी वन सीमा सुरक्षा क्षेत्र को सुदृढ़ किया जाए और खेतों को नुकसान पहुँचाने वाले जंगली जानवरों को उसमें रोका जाए एवं जंगली जानवरों के कारण फसलों में हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति की जाए। सभी फसलों के समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाए। अब दूसरा ज्ञापन है मुख्यमंत्री जी के नाम जिसमें किसानों की विभिन्न समस्याओं को रखा गया है, जो बिंदुवार बता रहा हूँ। केंद्र सरकार द्वारा घोषित 1 लाख करोड़ रुपए के केंद्रीय अवसंरचना कोष का उपयोग प्रदेश के किसानों को मिल सके, इसके लिए प्रत्येक तहसील स्तर पर समन्वय तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था तत्काल की जाए। 2020 खरीफ की फसलों की अतिवृष्टि, आफलन एवं वायरस के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई की जावे। पूरे प्रदेश में मक्का एवं तिल की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जावे। वनांचल में निवास करने वाले किसानों की वनोपज उचित मूल्य पर सरकार द्वारा खरीदी जावे। बलराम तालाब योजना दोबारा चालू की जावे। किसानों को 14 घंटे 3-फेज बिजली उपलब्ध कराई जावे। मुख्यमंत्री अनुदान से विद्युत ट्रांसफार्मर योजना चालू की जावे। जले हुए ट्रांसफार्मर बदलने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की जावे तथा ट्रांसफार्मर 24 घंटे में बदले जावे।
मुख्यमंत्री स्थायी विद्युत पंप कनेक्शन योजना सितंबर माह से पुनः शुरू की जावे। प्रत्येक जिले में कृषि महाविद्यालय खोला जावे। सभी विद्यालयों में कक्षा 9वीं से कृषि विज्ञान की पढ़ाई अनिवार्य की जावे। प्रत्येक जिले में खाद बीज दवाई की जांच के लिए लैब स्थापित की जाए ताकि किसान नकली सामग्री खरीदने से बच सके। जैविक उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए तहसील स्तर पर जैविक हाट लगाया जाए तथा जैविक उत्पादों की जाँच की व्यवस्था की जाए। समर्थन मूल्य पर उपज खरीदी की किसान की बकाया राशि तत्काल दी जाए। फसल क्षति का पारदर्शी सर्वे कर उसकी एक प्रति किसान को उपलब्ध कराई जाए। सभी कृषि उपज मंडियों में उपज समर्थन मूल्य पर विक्रय हो, इसके लिए सभी मंडियों में आधुनिक मानक परीक्षण एवं ग्रेडिंग मशीनें लगाई जाएं। कृषि उपज मंडी में विक्रय हेतु प्रतिदिन आने वाले वाहन की संख्या का बाध्यता समाप्त की जाए। खरीफ में यूरिया की कमी ना रहे, रबी फसल में यूरिया की कमी ना रहे, समय से पूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित की जावे। कृषि यंत्रों पर अनुदान एवं कोटा बढ़ाया जावे। जंगली जानवरों से फसलों को नुकसान से बचाने के लिए तार फेंसिंग पर अनुदान दिया जावे। गिरदावरी के लिए ऐप बनाया जाए जिसमें किसान अपनी फसल की जानकारी अपलोड कर सके। गुड़ बनाने वाले किसानों को व्यावसायिक रेट पर विद्युत बिल दिया जाए, उसे कृषि कार्य मानकर कृषि रेट पर दिया जाए। डेयरियों द्वारा खरीदे जा रहे किसानों के दूध के फैट के भाव बढ़ाए जाएं। बीजों की मानक प्रमाणिकता सत्यापित होने पर ही बाजार में बेचने की अनुमति दी जाए। प्रदेश में किसानों के लिए राहत कोष बनाया जाए। प्रदेश की सभी मंडियों में CCTV कैमरे लगाए जाएं। छोटे तौल कांटों का नियमित परीक्षण किया जाए। वाहनों में आने वाले माल को सीधे तौल कांटे पर तुलवाया जाए। मनरेगा को कृषि से जोड़ा जाए। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए घोषित योजनाओं के सफल संचालन के लिए जिला स्तर पर किसान प्रतिनिधियों के साथ निगरानी समिति बनाई जाए। सन 2019 की बीमा राशि जल्द किसानों के खाते में डाली जावे और 75% मुआवजा भी डाला जावे। कन्वर्सन योजना को ब्याज मुक्त किया जावे। अब एक दूध क्षेत्र का ज्ञापन है, शशि जी वाचन करेंगे। श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन भोपाल, माध्यम श्रीमान तहसीलदार महोदय, विषय बीना नदी हनौता परियोजना बांध के संबंध में। उपरोक्त विषय में लेख है कि बीना नदी पर बन रहे हनौता परियोजना बांध में पठारी तहसील के 9 गांव पूर्ण रूप से व 7 गांव अपूर्ण रूप से प्रभावित हो रहे हैं। इसमें तस्मर में डूब क्षेत्र किसानों द्वारा निम्न मांगें रखी गई जा रही हैं। नंबर एक, हनौता परियोजना का सर्वे कार्य सुचारू रूप से निरंतर चल रहा है, लेकिन दूध क्षेत्र का किसानों को पूर्ण रूप से अनुभव है, इसीलिए मुआवजे का खुलासा किया जाए। फलदार वृक्ष, इमारती वृक्ष व जलाऊ लकड़ी, कुआ, ट्यूबवेल, मकान का मुआवजा से अवगत कराया जाए। साथ ही गाइडलाइन व भू अर्जन के नियमों से अवगत कराया जाए। नंबर दो, पुनर्वास की व्यवस्था किसानों में बची हुई भूमि के हिस्सा निकटतम स्थान पर ही कराई जाए ताकि किसान आगामी भविष्य में अपनी खेती कुशलतापूर्वक कर सके। नंबर तीन, दूध क्षेत्र के किसानों को कम से कम 30 लाख रुपए हेक्टेयर का मुआवजा राशि दी जाए। नंबर चार, हर परिवार के एक व्यक्ति को शैक्षण योग्यता के अनुसार शासकीय नौकरी दी जाए। नंबर पाँच, दूध क्षेत्र के किसानों को रजिस्ट्री की फीस ना लगे। नंबर छः, दूध क्षेत्र के किसानों को भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज, उसी हिसाब से सिंचित असिंचित का मुआवजा मिले। नंबर सात, नदी से भूमि को सिंचित माना जाए। उपरोक्त मांगों को यदि नहीं किया गया तो किसानों द्वारा उक्त आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की रहेगी।